न्यूज स्कैन में आज की जो शख्सियत हैं वह हैं पत्रकारिता के साथ साथ लेखक क्षेत्र में भी अपना लेखनी का जलवा दिखाने वाले इकराम वारिसी। आज इनकी एक पुस्तक है कवर ड्राइव, उसका विमोचन हुआ है। तो मैं पहले इकराम वारिसी को द न्यूज स्कैन की तरफ से शुभकामना देता हूँ, और साथ ही साथ मैं दर्शकों के तरफ से ये जानना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले इस कवर ड्राइव में क्या दिया है, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद तो और विस्तृत रूप से पता लग जाएगी, पर अगर संक्षेप रूप में अगर हम पूछें तो क्या आपने इसमें खास दिया है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कवर ड्राइव में मैंने जो लिखने और देने की कोशिश की है, सबसे पहले जो क्रिकेटर जो आज के युवा पीढ़ी उससे अनजान हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है, जैसे रिजवान शमशाद, फसाहत अली, असलम अली, और जो आज का रोल मॉडल है रिंकू सिंह, उसके बारे में मैंने पूरी लिखी है। साथ ही इसमें डाइटिशियन से मैंने बात की है कि एक स्पोर्ट पर्सन को कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। होता क्या है कि अगर आपके जिसमें कैलोरी और प्रोटीन की कमी है तो आप एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते। आप जब आप यो टेस्ट जैसे तमाम टेस्ट में फेल हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते हैं वो बंद होते चले जाएंगे। इसलिए डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले कौन कौन सी किताबों में अपनी लेखनी का जलवा दिखाया, उसके बारे में भी कुछ संक्षेप से बताएं। ये मेरी ज़िंदगी की चौथी किताब है। इससे पहले मैंने कौम का कोहनूर जो ईदगाह शाह जमाल में है 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी उसको लेकर मैंने किताब लिखी थी कौम का कोहनूर जी। इससे पहले मैंने लिखी थी राज्यसभा के जो सदस्य रहे हैं मशहूर शायर पद्मश्री बेकल उत्साही के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी, उनके जीवन परिचय से उनके जो साहित्यिक सेवाओं में जो उनका योगदान है उसको लेकर किताब लिखी थी। और एक शिखर जो हमारे बलरामपुर जो अलग अलग डिफरेंट फील्ड में उन्होंने नाम रोशन किया है जिले का, उन पर पूरी एक केंद्रित आधारित किताब मैंने लिखी। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस कवर ड्राइव के बाद अगला आपका ड्राइव, मतलब कि अगली जो किताब होगी वो किस मुद्दे पर होगी, किस क्षेत्र को छूते हुए होगी? हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन जो जहन में चल रही इस बार सियासत पे किताब लिखने का इरादा रखते हैं। तो सियासत एक शख्स से जुड़ी हुई किताब होगी, जो उसके पॉलिटिकल करियर उसने क्यों चूज़ किया, क्या वजह रही, एक विदेश में पढ़ के आया हुआ इंसान और पॉलिटिकल को अपना करियर बना लिया, उस पर किताब लिखने का इरादा रखते हैं। जैसे आपके दिमाग में अभी सियासत के ऊपर है और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर किताब लिखने का है, तो मैं ज़्यादा उसका नाम तो नहीं पूछना चाहूँगा, पर ये जानना चाहूँगा कि वो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित होगा या विपक्ष से, अगर जैसा कि वर्तमान में सरकार चल रही है। नहीं, मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ जो बात छुपी हो और छपी ना हो उसको उजागर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और सत्ता से जो जुड़ा हुआ है उस पर तो कतई नहीं लिखना चाहूँगा, लेकिन जो सत्ता से दूर है वो प्रदेश के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया, उस पर लिखूँगा। अच्छा, जैसा कि आप पत्रकारिता फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या कभी ऐसी संभावना भी है कि आप पत्रकारिता जगत से संबंधित जो कई दिक्कतें आती हैं और कई अच्छाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनसे संबंधित भी कोई किताब जनता के सामने आएगी? देखिए जनाब, अगर इस पर किताब लिखने का मतलब है कि कंपनी हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें टिपिकल भी है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः द न्यूज स्कैन की तरफ से कवर ड्राइव दिखने के लिए शुभकामनाएं। आज एक किताब का विमोचन इनॉगरल दिवस का उसको अनावरण करेंगे, उसका किताब एक किताब लिखी गई है। वो किताब क्या है, क्या है उसमें, ये भी मैं बताऊंगा। कुछ ही देर में हमारे बीच में आपके स्कूल के प्रिंसिपल श्याम होंगे, और अब तक हमारे बीच में गेस्ट आ रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेम्स कमेटी के सेक्रेटरी भी साहब हमारे बीच में हैं,
मैं बच्चों की ओर से आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत। शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित रहा। सबसे बड़ी चीज एक सक्रिय और नेक हृदय इंसान के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करना। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रोग्राम खास क्यों है और आपकी मौजूदगी खास क्यों है। तो हम सब होमो सेपियंस में कोई शर्मा बन गया, गुप्ता बन गया, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सब बन गए, सभी अपने अपनी आस्था सभ्यताएं विकसित होती है। क्या नाम है बच्चों? जरा जोर से बोलिए। यस, अब लगाना कवर ड्राइव। उस किताब का आज विमोचन है, उस कवर ड्राइव का, उसको आज खोला जाएगा, पहली झलक आपको मिलेगी। तो ये काबिलियत है मनुष्य की, होमो सेपियंस की, कि उसने लिपि को समझा, विकसित किया, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की क्षमता विकसित की। आपके विमोचन में शामिल होगा और याद रखिएगा, जिंदगी भर आपको ये प्रोग्राम याद रहेगा कि हम किसी किताब के विमोचन में गए थे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जुड़े हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है इस किताब में आपको पता नहीं होगा, जो ग्राउंड है क्रिकेट का, उस पर कपिल देव ने भी अपनी प्रतिभा के जलवे दिखाए हैं। आप इसमें जिक्र है, मुझे भी बताया। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय हीरो, स्थानीय उपलब्धियों को समेटते हुए पुस्तक लिखी है। इनके प्रयास मेरे साथ ताली हो जाएगी। और हाँ, ये इनकी पहली पुस्तक नहीं है, ये इनकी चौथी पुस्तक है। और ये कवर ड्राइव तो अब लिखी है, एक पुस्तक इन्होंने और लिखी जिसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, ईदगाह कौम का कोहिनूर। अब उस ईदगाह को आने वाली नस्ल सिर्फ कौम के कोहिनूर से जानेगी। नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, मजर भाई इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये इसी टेस्ट के बच्चे हैं जिस टेस्ट के बच्चों को आपने यहाँ बिठाया। इससे पहले एक ये तो आज एक किताब का विमोचन हमारे इकराम भाई की मोहब्बत की खातिर यहाँ हो रहा है। इससे पहले मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद जी की किताब की 6 किताबों का एक साथ विमोचन अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर माता प्रसाद जी ने किया था। पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। आप इसे शायद कुछ लोगों समय आए तो अखबार के लिए एक बेहतरीन, जब हम लोग भी पत्रकारिता पढ़ाते हैं 12th में 11th में, तो ये कहते हैं कि अखबार क्या है, अखबार जल्दी में लिखा गया है। हाँ, इसलिए भी हो रहा है कि इकराम साहब की मोहब्बत हर जगह रहती है, हर लोगों के साथ रहती है और वो सभी के साथ शायद। वो बलरामपुर का शख्स इकराम वारिस, जिसकी हम किताब के विमोचन के संदर्भ में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो वहाँ से चलकर अलीगढ़ की समस्याओं को लेकर, अलीगढ़ की बातों को लेकर, जैसे उसने कौम के कोहिनूर की किताब लिखा, आज कवर ड्राइव की किताब है, वो सब अलीगढ़ से मुताल्लिक है। हम इकट्ठा हुए हैं
पहले तो हम मंच पर यहाँ मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्ति, अब मजहर साहब, अब प्रदीप गुप्ता जी से, लक्षपाल सिंह मने ओटा के अध्यक्ष, अब क्लास चलेगी असल ताल में। गिफ्ट सही रहा साहब, गिफ्ट स्मृति सिंह बहुत बढ़िया था, जोरदार ताली बजाइए। बिना रीढ़ के हड्डी के खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरीके से इस विद्यालय के बारे में मैं बड़ी बेबाकी से बात कहता हूँ कि जहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर ऐसे लोग हों, वो विद्यालय में जो चौमुखी विकास जिसे कहा जाता है, वो विकास विकास अपने आप होता है। एजुकेशन के लिए एक मिशन के तौर पे जो इन्होंने काम किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसकी इम्पोर्टेंस को हम सभी समझते हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है। और आजकल गवर्नमेंट का जो जोर है हायर एजुकेशन पे, ख़ास तौर से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़े उसमें चल रहे हैं, उनमें जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और ब्रिटेन में ही प्राइम मिनिस्टर आया है बोरिस जॉनसन, आई वो भी पत्रकार है। चलिए साहब, सब चलता रहेगा। और इकराम साहब जी हमारे पत्रकार हमें लगातार पुस्तकें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि बड़े मुद्दों पर लिखने वाले काफी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में रणजी कहीं अंडर 16 और 19 के चयन करता है। वेरी मच थैंकफुल टू यू। और जो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है क्रिकेट ही है, और उस पर बुक लिख कर उन्होंने हमारी भी आंखें खोल दी हैं कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए और बच्चों को कैसे प्रमोट करें, कैसे मोटिवेट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन एक प्रैक्टिकल लाइफ में, नो डाउट प्रैक्टिकल बहुत, मतलब 100% अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में, ऐसा नहीं हो सकता कि स्पोर्ट्स में अच्छा एकेडमिक नहीं हो सकता। आज मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, आप लोगों को मालूम है मैं पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर, इसके अंदर सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को उन्होंने बताया है, क्रिकेट में जो यूज़ होती हैं, क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, बच्चों को डाइट्स बताई हैं, बच्चों को जो क्रिकेट की प्रिपरेशंस होती हैं, जो ये एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं उसके बारे में बताया है, प्रैक्टिस के बारे में बताया है इन्होंने, उसके अंदर जो लिखा है बहुत सारे जो अलीगढ़ के पुराने क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ से रांझी खेले 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, और रिसेंटली अब जो बच्चे खेल रहे हैं यूपी में, तो उनकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे फसाद अली साहब ने कहा कि ये किताब बहुत ज़्यादा अहम होगी, बड़े उम्मीद का पत्थर साबित होगी अलीगढ़ के लिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स और कौन कौन खेला है, हमारे बच्चों को इस मामले में आसान नहीं होता। और ये मैं समझता हूँ चौथी किताब है कवर ड्राइव, इससे पहली जो किताब थी इकराम भाई की कौम का कोहिनूर, मैंने ये तो नहीं पढ़ी लेकिन कौम का कोहिनूर पढ़ी थी। निश्चित रूप से एक वो बेहतरीन किताब है, और ऐसी किताब है कि ऐसे मसलों के बारे में लोग लिखते नहीं हैं। ये कवर ड्राइव जैसा कहा गया, लिखा है उन्होंने कवर ड्राइव पुस्तक, इसमें भी मैं समझता हूँ आज तक इस तरह की पुस्तक कोई अलीगढ़ में तो लिखी नहीं गई है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद। टाइम निकाला है इसके लिए, बहुत बड़ी बात है। आज का किताब लिखना कम से कम होता जा रहा है, और किताब में जो चीज़ें होती हैं वो आप मीडिया के थ्रू नॉलेज ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन और जो एक्चुअल फीलिंग आती है किताब पढ़ने से वो मीडिया के थ्रू नहीं मिल पाती। जो इन्फॉर्मेशन आप ये किताब से करते हैं वो मीडिया से आपको मिल ज़रूर जाएगी, लेकिन जिस तरीके से किताब में जिक्र होता है उससे आप जुड़ सकते हैं, उन चीज़ों को आप अपना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कवर ड्राइव जो वारसी साहब ने लिखी है और इरफान वारसी साहब ने लिखी है,
और अलीगढ़ के बारे में काफ़ी डिटेल से किताब में लिखा है इन्होंने, क्रिकेट कैसे शुरू हुई, क्रिकेट में कौन कौन से लोग जुड़े रहे हैं शुरू से, पिछले 30-40 साल का इन्होंने इसमें एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है, लोगों से डिफरेंट लोगों से मिले हैं। मुझे याद पड़ता है इस किताब के सिलसिले में वो मेरे पास भी आए थे, वो 3 दिन मैच के गए थे तो इंजर्ड हो गए थे, तो उनका क्वेश्चन नहीं हो पाया था, उस इंजरी के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाए और वापस यहाँ अलीगढ़ आ गए थे। और बहुत बहुत इसमें अलीगढ़ की क्रिकेट अकेडमियों का भी जिक्र है, बहुत सारे खिलाड़ियों का तस्वीर। गोशा गोशा ये बता रहा है कि इसमें बड़ी सृजनात्मक क्षमता लगी है इस पुराने, आप देख रहे होंगे। तो मेरा अनुरोध होगा कवर ड्राइव क्रिकेट को लेकर ये किताब लिखी है। मेरा मानना यह है कि मैं बच्चों को भी बताता हूं कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूं, डॉक्टर रक्षपाल सिंह सर प्रोफेसर रहे केमिस्ट्री में, पता चल भैया भाई अरे बैठे।